एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। सो आज है डे 25 ऑफ 30 डेज चैलेंज। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और क्योंकि अब बस 5 दिन और रह गए हैं और सो ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कंटेंट नहीं आया करेगा। मतलब जो मैं कंसिस्टेंसी से इतने दिनों से डाल रही हूँ, पूरा एक मंथ हो गया मेरे को वीडियो डाले, बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत भी लगी है ये सब कुछ करने में। क्योंकि आप लोग किसी भी काम को करोगे, एक दो दिन तो कर सकते हो लेकिन कंसिस्टेंट से वो काम नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर वो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत मतलब ऐसा है कि पूरी ट्राई की है कि भाई हमारा एक सिंगल डे गैप ना हो। मेरी कंसिस्टेंसी से 6 बजे रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती थी, फिर उसके बाद मैंने 3 बजे शिफ्ट की, फिर 3 बजे आई, ठीक है। सो हर दिन मैं कंसिस्टेंट रही हूँ, मेरे को खुद पे ही प्राउड हो रहा कि हाँ ठीक है भाई मैं रही हूँ। सो अब जाते हैं लाइब्रेरी, फिर पढ़ाई करते, वहीं पर आपसे मिलते हैं। एंड यहाँ पे मैं 8 बजे के समथिंग लाइब्रेरी आ चुकी थी, और ये टू डू लिस्ट मैंने पहले ही बना रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने लेक्चर नंबर 5 तक मेरे को आज कंप्लीट करना है। वैसे मैंने इसके लेक्चर देख रखे हैं, तो आज मुझे सिर्फ रिवीजन पोर्शन ही करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे फिजिक्स में 6 लेक्चर तक नोट से ही रिवाइज करना, क्योंकि इनिशियल जो पार्ट होता है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है और हमें वो बहुत अच्छे से आता है, उसके लेक्चर हम बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इको सिस्टम करना है, प्लांट किंगडम को एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, थर्मो के अप टू 3 नोट्स रिवाइज करने हैं, IUPAC जो है उसे कवर करना है, UVTS देना है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका रिवीजन। सो या इसे कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने IUPAC को पहले रिवाइज़ किया था, फिर उसके बाद जो सर ने होमवर्क दिया था बहुत सारा, आप लोग यहाँ पे देख लो इतना सारा होमवर्क दिया था, तो फिर उसे कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, इसलिए जो टाइम हो रहा है वो 9 बज गए हैं, क्योंकि रिवीजन तो हमारा बहुत जल्दी हो गया था। लाइक 10-15 मिनट में मैंने पूरे 5 लेक्चर को रिवाइज़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने ये सब कुछ पैक किया, और पैक करते हुए मुझे एक चीज़ दिखी, इस पर क्या लिखा है, डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट, दैट इज़ हमारा थर्मल फिजिक्स, ठीक है। उसके मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे और लेक्चर को पहले कई बार अटेंड किया है, लाइक सब लोग एक एक बार करते हैं, मैंने 2-3 बार किया था, क्योंकि थर्मल फिजिक्स जो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नीड पड़ी थी इसको रिवाइज़ करने में, बहुत सारी चीज़ें सीखने में, तो ज़्यादा वक्त लग गया था, तो अब मुझे उतना वक्त लगेगा नहीं। और मुझे देखो आज कहाँ तक करना है, लेक्चर नंबर 6 तक, और ये भाई सेमीकंडक्टर पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया, तो यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, पूरा लेक्चर नंबर 6 तक रिवाइज करना है। सो या स्टार्ट करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड फाइनली इट्स डन, एंड ये मैंने सारे लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये देखो आप लोग, लेक्चर नंबर 7 है, मैंने 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और लेक्चर नंबर 7 से जो है वो KTC स्टार्ट होगी। तो मैंने कहा कि अब ये जो हीट वाला पोर्शन है इसे सारा कंप्लीट कर लेते, तो लेक्चर नंबर 6 तक सारे पोर्शन मेरे कंप्लीट हो गए थे। एंड करेंटली टाइम जो हो रहा है वो 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है, तो फिर अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, देखती हूँ पहले क्या करूँगी। सो यहाँ पे हमारा थर्मल फिजिक्स का रिवीजन भी हो गया था, और मैंने जो आज का पोर्शन कंप्लीट करना था वो भी कंप्लीट हो गया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट, जो कि है बायोलॉजी। उसमें भी मैं सबसे पहले इकोसिस्टम कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ये वाला टेस्ट में आने वाला है 27 अक्टूबर को एलन वाले टेस्ट में, ठीक है। और आप लोग मुझसे हमेशा यही चीज़ पूछते रहते हो कि आपने कौन सी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो मैंने आकाश टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, जो कि हमारे शहर में ही है, क्योंकि एलन की कोई भी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन सेंटर नहीं है उसका हमारे शहर में, दैट्स वाई मैंने आकाश
क्लास की AITS वाली ज्वाइन की है। हो सकता है मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हुआ तो मैं PW की विद्यापीठ की या जो भी होता है उसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे शहर में है। ठीक, सो चलो आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, नाउ इट्स ऑल्सो डन और करंटली टाइम जो हो रहा है वो 1:40 हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस वाले चैप्टर को बंद करने जा रही हूँ क्योंकि ये छोटू सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट जो कि है हमारा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। सो चलो अब उसे रिवाइज कर लेते हैं। और भाई मेरी बुक की हालत देख के कोई ये नहीं कहना कि आपकी इतनी बुक की हालत इतनी गंभीर क्यों है, तो भाई ये गंभीर इसलिए क्योंकि ये मतलब मैंने न्यू परचेज नहीं की और पहले वाली ही है, तो फिर मैं उसी का प्रयोग कर रही हूँ बहुत जल्द पता नहीं कब, लेकिन हाँ मैं जल्दी ही परचेज कर लूँगी। सो चलो अब इसे रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, एंड फाइनली ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो अब सब पे लगा देते हैं टिक। यहाँ पे मेरा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया है, एंड IUPAC भी मैंने कंप्लीट कर ली थी। सो अब हमारा बचा हुआ है UVTS देने को, और क्या बचा है, हाँ UVTS देने को बचा है, और करंटली टाइम 3:15 हो रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और मेरी दोस्त ने सोचा चलो बाहर जाके कुछ कुछ खा लेते हैं, और कुछ सामान हम लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ लेना था लाइक स्क्रंची एंड ऑल, तो हम उस वाली शॉप पे गए, तो फिर हमने वो वगैरह परचेज किया। सोया चलो एंड हेयर वी ट्राइड सम स्क्रंचीज एंड दे आर सो सॉफ्ट यार। तो आप लोग ये बताना आप लोगों को मेरा स्क्रंची कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये वाला स्क्रंची ट्राई किया था जो कि ग्रीनिश टाइप का था थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये पीच वाला चुना। ठीक है, मेरे को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया था बट मैंने फिर भी ट्राई कर लिया था कि हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ये पर्पल कलर का, और ये थोड़ा सा जो लास्ट वाला है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था सीरियसली, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ ये बढ़िया लग रहा है, बट माई फ्रेंड गेव मी दिस वन बट आई लाइक वेरी मच द लास्ट वन। आप लोग बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने ये बोला कि ऐसा करो तुम दोनों हाथ में डाल लो, उसके बाद तुम डिसाइड करो इन दोनों में से कौन सा लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये पीच कलर बेटर है पर्पल से, तो मैंने ये पीच वाला लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग गए थे समोसे कुछ खाने के लिए। ठीक है, तो हमने एक ठो समोसा लिया, और फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी में वापस आए। उसके बाद मेरा जो कल वाला जो टेस्ट था उसको हमने एनालाइज़ किया, और यहाँ पे मैंने सारा एनालाइज़ करूँगी बिना कुछ डिस्ट्रैक्शन के। और मैंने स्टार्ट किया था 3:15 पे रिवीजन मतलब एनालाइज़ करना। उसके बाद जब हमारा एनालिसिस हो गया था तो फिर मैंने ना यहाँ पे इसे नोट डाउन भी कर लिया था, और 5 बजे के समथिंग मेरा ये पूरा एनालिसिस हुआ। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास वक्त है, तो अब मैं जा रही हूँ UVTS देने जिसमें 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला पोर्शन देख लो, यहाँ पे बायोटेक आने वाला है और बायोटेक का एप्लीकेशन प्रिंसिपल या राइट यहाँ पे ये पूरा का पूरे 200 क्वेश्चन है, दो चैप्टर्स के और एक यूनिट के। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड फाइनली इट्स डन, और अब टाइम था हमारे घर जाने का। ठीक है, तो मैंने सारा सब कुछ पैक किया और उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइट को किया ऑफ, अपनी कॉपी को उठाया, और उसके बाद मैं निकली अपने घर के लिए। ठीक है,
सो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और उसके बाद जब लाइब्रेरी से हम लोग गुजरते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे कुछ फेस मैट्रिक, गाइस फेस मैट्रिक लगता है, तभी आप यहाँ से निकल सकते हैं घर के लिए, ठीक है। सो आई डिड ऑल द टारगेट कम्प्लीटेड, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में ब्लू हार्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना। ओके टाटा।